छोटू उस्ताद। अबे छोटू ये कौन सा रोबोट है बर्फ पे घूम रहा है? अबे यार उस्ताद ये वो रोबोट है जिसका नाम है शार्क रोबोट। अबे शार्क ये पानी से निकला ये क्या? लेकिन छोटू अबे यहाँ से निकली ये देख निशान भी है। अरे ये यहाँ से निशान। छोटू ये शार्क रोबोट कैसे बन जाती है? अरे अबे भाई साहब उस्ताद मेरी बात सुनो। रात को ना वाइस्टान में यार सुनामी आ गई थी उस्ताद, तो मैं आ गया था किसी दूसरे शहर पर यार उस्ताद मुझे पता नहीं था हम कन्वर्ट बन के ये शार्क रोबोट भी बन सकते हैं। मतलब छोटू वाइस्टान को तो अब बड़ा प्रॉब्लम हो गया शार्क से, मतलब पानी के अंदर जो भी जाएगा ये तो उसको काट खाएगा। अभी नहीं यार उस्ताद, अब ये ना पूरे मेरे कंट्रोल में। अब यहाँ से ना वाइस्टाउन का रास्ता भी है और टिप्सन ने मुझे कॉल करके बता दिया है कि अब वाइस्टाउन के हालात सही हैं, तुम आ सकते हो मेरे पास। मतलब इस शार्क को हम लेके जा रहे हैं छोटू, अगर ये शार्क रोबोट इसकी चिप हिल गई तो? अबे यार उस्ताद नहीं होगा क्योंकि इसका रिमोट इसकी बैटरी सब कुछ मेरे पास है। छोटू मैं समझ रहा हूँ लेकिन देख फर्स्ट टाइम हम देख रहे हैं ये शार्क रोबोट बहुत अच्छे तरीके से चल रहा है, लेकिन इसने बाहर आके कोई दिक्कत दे दी पूरे वाइस टाउन को तबाह कर दिया तो? अबे यार सर नहीं होगा, मुझे मानो यार, आज देखो मैं कैसे कैसे मारता हूँ यार लोगों को। ये देखो उस्ताद यहाँ पर कुछ ग्रीन ग्रीन लगा हुआ है जो अपना रोबोट पानी में भी चल सकता है और भाग भी सकता है। अरे हाँ यार छोटू ये तो देख पानी में भी ऐसे चल रहा है जैसे बंदा बाहर जमीन पे चलता है यार। अबे हाँ यार उस्ताद ये तो जंप्स भी मार रहा है, देखते हैं कैसे जंप्स मार रहा है यार, ये तो बाहर भी निकल रहा था और ये रही अपनी शार्क यार, अबे ये तो जंप्स भी मार रही है। छोटू ये यहाँ पे कुछ और भी है, ये फूल नीचे पानी में लगे हुए हैं। अबे आ रहा है वाइस टाउन की तरफ भाई, ये शार्क निकल गई वाइस टाउन में। अबे तो तड़प रही है तड़प रही है, अबे रोबोट बनो। हाँ अच्छा छोटू मछली जो भी हो शार्क को कोई भी हो पानी के बाहर आके ना तड़पना शुरू करती है, मतलब मर जाती है। लेकिन ये कौन सी मछली है? ये तो पानी के बगैर भी चल रही है, भाग रही है, अबे आग भी लगा रही है। यू टाइट। अबे यार उस्ताद हम तो हॉस्पिटल से निकले हैं। छोटू ये कौन सा हॉस्पिटल है जो रोबोट का इलाज चल रहा है तो इलाज कर रहे हैं? अबे ये तो गाड़ियों को भाई कल्टी कर रहा है एम्बुलेंस को, तो छोटू ये तो वाइस टाउन को भी दी एंड कर देगा। अबे यार उस्ताद जैसी ये स्पीड में ये तो अगले 5 हफ्तों में यार पूरी दुनिया को खा जाएगा। तो क्यों लिख रहा है छोटू तू इसको? अब तू क्या चाहता है, क्या करना है इसका? अबे यार उस्ताद ये ना अब कन्वर्ट भी हो सकता है रोपिरो में, पर मैं यहाँ पर अभी कर नहीं सक पा रहा यार उस्ताद। मैं चाह रहा हूँ इसको ना हम ना अपना राज रखे रहते हैं। मतलब तू चाह रहा है कि किसी को नहीं बताएं कि ये एक शार्क मछली है, तू सबको ये बताना चाह रहा है कि ये एक रोबोट है और हमने बाय किया है। हाँ यार उस्ताद ये बताएंगे कि हम रोपिरो ही हैं, हम वाइस टाउन जाएंगे ना वापस, तो हम वाइस टाउन मतलब रोपिरो के ना हुलिये में आ जाएंगे और ये ना हमारे अंदर ही रहेगा, जब हम इस सिटी आएंगे तो हम बन सकेंगे शार्क रोबोट। अच्छा समझ गया, मतलब इससे तू कन्वर्ट होके फिर रोपिरो बन के वाइस टाउन आएगा। और यार उस्ताद हम किसी को नहीं बताएंगे सिवाय टिप्सन के, टिप्सन को भी तो बताना है ना यार। अबे टिप्सन तो हैरान हो जाएगा कि यार ये शार्क और कैसे बन जाता है रोबोट। अबे हाँ यार उस्ताद वो तो है इसमें कंफ्यूज हो जाएगा कि इसका कलर क्या है। कलर को तो छोड़ो और उसको ऑप्शन का पता नहीं है कि ये क्या क्या कर सकता है। ये पानी में चल सकता है इंसानों की तरह, बाहर आ सकता है रोबोट की तरह, पानी में चल सकता है मछली की तरह, आग लगा सकता है जमीन पे रोपिरो की तरह। और यार उस्ताद मतलब रोपिरो नहीं मतलब म्यूटेंट की तरह ये धमाके भी कर सकता है। अबे ये म्यूटेंट की नस्ल का तो नहीं है छोटू, अबे ये कौन है, अबे पौधा है? अबे हाँ यार उस्ताद इनको केल्प बोलते हैं, जो समंदर में होते हैं ना पानी में ये लीव्स किस्म के, उस्ताद इनको केल्प बोलते हैं। अबे छोटू ये तो यही चीजें खा रहा है, मतलब ये देखना ये सिर्फ पौधे खा रहा है छोटू। मतलब यार उस्ताद ये किसी इंसान को नहीं खा सकती। अबे यार उस्ताद अब इसको ना किसी के भी खतरा नहीं और किसी को भी इससे खतरा नहीं है। अबे मैं समझ गया छोटू, तो ये फिर सही है, मतलब ये किसी को खा नहीं सकता।
हाँ यार उस्ताद, तुमने सही पहचाना। और यार उस्ताद जी कहाँ जा रहा है ये तो मुझे नहीं पता, कहीं पर जंप मार रहा है यार। चलो देखते हैं, ट्राई करते हैं, हम जंप मार सकते हैं इसके ऊपर। चलो सही है, ठीक है छोटू, पता चल गया ये मांसाहारी है। अबे यार ये योर एड इज, अबे कुछ भी लिखा है छोड़ो। अब यार सर अब जंप्स मार के देखते हैं कि हम ऊपर चढ़ पा रहे हैं इस दीवार के। अबे आदमी थोड़ी है, अरे ये तो चढ़ गया। अबे ये कौन सी दीवार, दीवार चीन तो नहीं है छोटू, जो खत्म ही नहीं होती। अबे यार उस्ताद चाइना की तो दीवार नहीं है यार उस्ताद, पर समंदर में कौन घर बनाता है जो यहाँ पर दीवार है छोटू। लेकिन इस रोबोट को तो पता है ना घर कहाँ बने हुए, देख कैसे आ रहा है। अबे ये तो जमीन तोड़ रहा है। जमीन नहीं तोड़ रहा, ये अपनी पावर इकट्ठी कर रहा है, जमा कर रहा है छोटू। ऐसे करने से ये पावर बन जाता है, मतलब ये ताकतवर बन जाता है। सामने देख छोटू, दीवार में होल है, ऊपर देख ये खिड़की किसने बनाई, मतलब छोटू किसी दौर में यहाँ पे वो जमीन थी, गांव थे, घर थे। अबे टिप्सन को इससे बात कर छोटू तू। अबे यार टिप्सन तुझे पता है आज हमने क्या देखा? अबे क्या देखा? अबे हमने देखा एक ना मछली, नहीं नहीं मेरा मतलब है छोटू बताना इसको। अबे यार हमने देखा एक शार्क रोबोट। अरे ये कहाँ पर, अपने समंदर के अंदर? अबे हाँ यार टिप्सन, रात को जो सुनामी आई थी ना मैं तो भाग गया था, पर मैं पानी में डूब गया था। जैसे मेरी आंख खुली मैं तो किसी आइलैंड पे था और मैं शार्क रोबोट बना हुआ था। मतलब टिप्सन मैं तुझे बताता हूँ, ये शार्क मछली बना हुआ था और बाहर भी आ रहा था, मर भी नहीं रहा था, पानी में भी चल रहा था, रोबोट बन रहा था। और यार ये बड़ी शार्क, दुम वाली शार्क बन गया था। अरे उस्ताद तू ये कौन सी बातें करे, मन धड़क बातें। अबे यार टिप्सन मैं तुझे सही बता रहा हूँ। अरे यार ये बच्चों को कहानियां बताते हैं और तू मेरे को बता रहा है। यार टिप्सन मैं झूठ नहीं बोल रहा यार, झूठ बताना। अबे यार टिप्सन हमारी बात मान, हम झूठ नहीं बोलते, हम तुझे दिखा भी देंगे ठीक है। अब हम जाते हैं, हमें दूसरे भी काम है यार, हमें गाइस को ना लाइक सब्सक्राइब के लिए भी बोलना है। अबे मेरे को भी लेके चलो, चल के शार्क दिखाओ ये कहाँ पर है। अबे नहीं ले जा सकते यार तेरे को टिप्सन। अबे यार टिप्सन वो चीज़ हम तुझे नहीं दिखा सकते उस्ताद, चलो यहाँ से वरना इसको सारे सीक्रेट्स पता चल जाएंगे। अबे ये तो बड़ा चला के कह रहा है, मेरे को भी लेके चलो और मेरे को वो शार्क दिखाओ छोटू। ये टिप्सन को यकीन नहीं आ रहा था। अबे यार उस्ताद इसको लगता है हम ना इसकी बातों में आके इसको लेके चलेंगे और यार उस्ताद इसको जगह दिखा देंगे जहाँ हम ना वो बने थे शार्क। हाँ उस्ताद अगर इसको पता चल गया तो ये भी बन जाएगा छोटू। ये शार्क है, ये क्या है? अच्छा शार्क हेलीकॉप्टर है, क्या है? अबे शार्क हेलीकॉप्टर है यार उस्ताद, चलो अब इसको लेके चलते हैं यार उस्ताद, मुझे तो ना बहुत ही डेंजर लग रहा है यार। छोटू चल, अपन के पास एक पावर आ चुकी है, मतलब एक ऐसा रोबोट जो जमीन में, पानी में और हेलीकॉप्टर में भी बैठ सकता है, चला सकता है। तो अब क्या करना है इसका शार्क का, इसको पानी में छोड़ना है, अपना वापस रो पीरो बनना है, क्या करना है? अबे यार उस्ताद तुम्हें ना शायद मेरा नाम नहीं पता, मेरा नाम है छोटू। गाइस जल्दी से जाके चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, वीडियो को शेयर भी कर दो अपने दोस्तों के साथ, कमेंट भी कर दो अच्छा सा। गाइस सब्सक्राइब कर दो चैनल को और बेल आइकन को भी दबा दो क्योंकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। और गाइस ये वीडियो आपको लगी कैसे सबसे पहले तो ये बताओ, क्योंकि मेरा दिल चाह रहा है कि मैं इसका पार्ट टू बनवाऊं छोटू से। तो जल्दी से सब लिखो कमेंट में पार्ट टू पार्ट टू पार्ट टू और सब्सक्राइब कर लो ताकि पार्ट टू आपके पास पहुंच जाए, है ना छोटू? हाँ और उस्ताद जैसे सब्सक्राइब करोगे ना आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन टिंग करके आ जाएगा। और छोटू जैसे उनके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा तो वीडियो होगा पार्ट टू शार्क का। एंड में क्या बोलता है गाइस, यहाँ तक आ गए हो तो सब्सक्राइब भी कर दो।